शिमला के गेटी थिएटर में चौथे फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आगामी 3 दिन तक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 28 फिल्में दिखाई जाएगी। फिल्म फेस्टिवल हिमालयन वेलोसिटी व भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शुक्रवार से शिमला में अंतर्राष्ट्रीय शिमला फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय समारोह हिमालयन वेलोसिटी और भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। फिल्म समारोह के शुभारंभ मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वीएस कुंडू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर वीएस कुंडू ने कहा कि 3 दिवसीय इस फिल्म फेस्टिवल में कई तरह की फिल्में दिखाई जा रही है। इस दौरान मुख्य अतिथि ने फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों को बधाई दी। ये 3 दिन का प्रोग्राम है और ये चौथा एडिशन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला का, जो हिमालयन वेलोसिटी और भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा आयोजित किया जा रहा है शिमला में। और इसमें बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल सिनेमा दिखाया जाएगा यहाँ पे, जिसमें फीचर फिल्म्स भी हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी हैं, एनिमेशन फिल्म्स भी हैं और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी हैं। और इसमें बहुत सारी अवार्ड विनिंग फिल्म्स भी दिखाई जा रही हैं और फिल्म मेकर्स भी यहाँ पे होंगे ऑडियंसेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, ताकि जो ऑडियंसेस हैं, जो सिनेमा देख के जो उनके मन में जो सवाल उठते हैं उनसे वो सवाल कर सकते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इस फेस्टिवल में मास्टर क्लासेस भी हैं, जो लोग सिनेमा बनाना चाहते हैं उनको ये बताने के लिए कि फिल्म्स कैसे बनाई जाती हैं, फिल्म्स को अप्रिशिएट कैसे किया जाता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है और ये लगातार पिछले 4 साल से हो रहा है। और पुष्पराज ठाकुर जो डायरेक्टर हैं इसके, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि हर साल इस फेस्टिवल में ग्रोथ आ रही है, ये पहले से बड़ा और बेहतर होता है हर साल। अंतर्राष्ट्रीय शिमला महोत्सव के आयोजक पुष्पराज ठाकुर ने कहा कि फिल्म समारोह में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, एनिमेशन और फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 28 देशों की फिल्में दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस समारोह में पहली बार केंद्रीय कारागार कंडा जेल के बंदियों के लिए बनाई गई फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला 2018 फोर्थ एडिशन है और लगभग 80 फिल्में हम दिखा रहे हैं और 29 कंट्रीज से फिल्म आई है और हिमाचल से भी एंट्री है, जो स्पेशल एक हिमाचल के लिए हमारा एक कंपटीशन है सेक्शन, तो उसमें हमें हर साल फिल्म आती है। इस बार अराउंड 7-8 फिल्म हैं वो दिखा रहे हैं और काफ़ी एंट्रीज और भी आई थी, बट देर इज़ क्राइटेरिया, सो ज्यूरी डिसाइड किसको स्क्रीन करना है। 8 आर सिलेक्टेड, सो वन ऑफ देम इज़ इन द ट्विलाइट जोन एंड कुछ इस तरह की हैं जो सोशल कॉज पे हैं। बिहाइंड द बार का मैं नाम लूँगा, जो कि जेल के ऊपर है, कैदियों के ऊपर एक कहानी है और डॉक्यूमेंट्री शूट किया डॉक्टर देव कन्या ने, उनकी फिल्म है जो कि रिसेंटली इसको अवार्ड भी मिला है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दिल्ली में, फर्स्ट प्राइज़ मिला इस फिल्म को। इसके अलावा और भी अवार्ड विनिंग फिल्म है और पीयूष कांगा एक उभरते हुए फिल्म मेकर हैं, उनकी फिल्म है इसमें नलवाड़ी मेला, उस पर बनाई है बिलासपुर में जो होता है। तो इसके अलावा और भी फिल्म्स हैं हिमाचली और इंडियन सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा, इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल, सो एंजॉय द 3 डेज फेस्टिवल। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।